गौ माता का अपमान करना मानवता नहीं दानवता है। स्वर्गीय कश्मीर नरेश महाराजा श्री प्रताप सिंह जी के बड़े ही धर्मात्मा गौ ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे। आप कट्टर सनातन धर्मी वेद शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्रिय धर्मात्मा और प्रजापालक थे। सैकड़ों ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेद ध्वनि चंडी पाठ तप जप अनुष्ठान आदि किया करते थे। और क्या मजाल जो राज्य में कोई गौ हत्या कर सके और गौ माता की और उंगली उठाकर भी देख सके। एक बार परम प्रतापी कश्मीर नरेश महाराजा श्री प्रताप सिंह जी कहीं जा रहे थे और साथ में बड़े बड़े अधिकारी भी थे। किसी ने देखा रास्ते में आगे एक गाय बैठी है। तुरंत कुछ कर्मचारी आगे बढ़े और उन्होंने गाय को उठाकर खड़ी कर दिया एवं रास्ते से हटा दिया। कर्मचारियों के इस प्रकार दौड़ धूप करने के कारण महाराजा का ध्यान और आकर्षित हुआ और महाराजा ने एक कर्मचारी को पास बुलाकर पूछा, आप के इस प्रकार एकदम दौड़ धूप करने का कारण क्या है? आपको बताया गया कि महाराज आपकी सवारी जिस रास्ते जाती वह रास्ता साफ नहीं था, उसमें एक गाय रास्ता रोक के बैठी थी। अब उस गाय को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। महाराजा प्रताप सिंह ने जब यह सुना कि मेरे कारण गाय को कष्ट पहुंचाया गया है तब उनको बहुत ही दुख हुआ। महाराजा ने मोक्ष कुशोभ से वही सवारी रुकवा दी। तुरंत गाय के को रास्ते में से हटाने वाले कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें बड़ा ही उलाहना देते हुए कहा, तुम लोग ही यहाँ यह क्या घोर अनर्थ कर डाला। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम भारत के क्षत्रिय राजाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना है और गौ ब्राह्मण की रक्षा तथा सेवा करना ही मानवता है। तुमने मुझ क्षत्रिय राजा के लिए परम पूजनीय गौ माता को उठाकर उसे कष्ट पहुंचाया और गौ माता का अपमान किया। यह मानवता नहीं दानवता है। भविष्य में ऐसा कभी मत करना। यदि कोई ऐसा करेगा उसे तुरंत नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। महाराजा की इस प्रकार अद्भुत गोभक्ति और मानवता देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और जय जयकार पुकारने लगे। सभी प्रकार के व्रतों की और 18 प्राणों की जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाभ मिले।